कोरोना वायरस से दुनिया पिछले 2 सालों से जूझ रही है। कोरोना के पहले स्वरूप से लेकर डेल्टा वेरिएंट और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ने खौफ पैदा किया हुआ है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन दुनिया भर के 90 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। वहीं ओमिक्रॉन आने वाले वक्त में कैसा व्यवहार करने वाला है, इसको लेकर कुछ टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने कुछ खास बात की है। विशेषज्ञों की बात का संपूर्ण बयान कहता है कि हम सब ओमिक्रॉन से आज नहीं तो कल संक्रमित होने वाले हैं। अमेरिका में इतने लाख लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की आशंका। राष्ट्रीय दर का दावा है कि बीते हफ्ते अमेरिका में 6,50,000 से अधिक ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। अमेरिका के CDC के निदेशक डॉक्टर रोशेल वोल्स्की का कहना है कि ये आंकड़े दूसरे देशों में देखी गई बढ़ोतरी को दर्शाता है। उन्होंने साफ शब्द में कहा है कि ये आंकड़ा निराशाजनक है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सिंगापुर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए टीकाकरण काफी नहीं है, लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन से बने हालात खौफनाक हैं। यहां हर दिन हजारों लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले 10 मरीजों में से 9 ICU में भर्ती हैं। ये साफ स्पष्ट करता है कि जिन लोगों को अब तक वैक्सीन नहीं लगी उनके लिए ओमिक्रॉन घातक साबित हो रहा है। हम सभी ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमीश अदलजा का कहना है कि हम सभी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले हैं, आज नहीं तो कल ये होना ही है। उन्होंने खुले शब्द में कहा कि हमारी मुलाकात इस वेरिएंट से तय है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप सामाजिक जीवन जीते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो आप ओमिक्रॉन से जरूर संक्रमित होंगे। डॉक्टर उमेश अदलजा ने कहा कि इस वेरिएंट से खुद को बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द टीकाकरण करा लें, क्योंकि इससे आप भले ही संक्रमित हो जाएं लेकिन ये जानलेवा साबित नहीं होगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।